दोस्तों अभी हमें सॉल्व करना है एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 5+6 cosec थीटा एंड वाई इज इक्वल टू 3+8 cot थीटा। दोस्तों इसे शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल पे दोस्तों क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक मैथमेटिक्स के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे और हर एक सॉल्यूशन रहेगा तीन वीडियोस में, एक रहेगा फास्ट ट्रैक आंसर, एक रहेगा हिंदी एक्सप्लेनेशन और एक रहेगा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आता है समझ में आता है तो लाइक जरूर कीजिए। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों इस प्रॉब्लम में जो गिवन इक्वेशन है वो है फर्स्ट वन, एक्स इज इक्वल टू 5+6 cosec थीटा और सेकेंड वन वाई इज इक्वल टू 3+8 cot थीटा। अभी इन दो इक्वेशंस में आप देखेंगे तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है cosec थीटा और cot थीटा, जिनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स x एंड y। तो इसलिए पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मिले। फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिल रहा है cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू x माइनस 5/6। हाँ यहाँ पे हमने क्या किया, जो राइट साइड में प्लस 5 था उसे शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में, वो माइनस हो गया, 6 को अपॉन किया यानी दोनों साइड 6 से डिवाइड किया तो हमें cosec थीटा की वैल्यू मिल गई x माइनस 5/6। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन से हमें वैल्यू मिलती है cot थीटा की, cot थीटा इज इक्वल टू y माइनस 3/8 अभी हमारे पास cosec थीटा भी है cot थीटा भी है और इनसे रिलेटेड एक आइडेंटिटी हमें मालूम है, वो आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी में हमें cosec थीटा और cot थीटा दोनों के जो ऊपर के वैल्यूज है उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर हम उन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी ब्रैकेट में x माइनस 3/6 cosec थीटा की वैल्यू x माइनस 3/6 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म हमें मिलेगी cot थीटा की वैल्यू y माइनस 3/8 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में 1 एज इट इज। तो दोस्तों ये इक्वेशन हमें मिल गया है जिसमें वेरिएबल्स है x और y और थीटा की टर्म यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है, उसे हमने एलिमिनेट किया है। तो अगर इसे आपके समझ में आ गया है तो एक बार फिर से सॉल्व कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।